नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि मित्र यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि आपको कपास लगाने से पहले किस प्रकार खाद का और उर्वरकों का नियोजन करना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक कृषि मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो दोस्तों, महीना शुरू है जून का और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कपास लग चुकी होगी और भारत के कई दूसरे हिस्सों में जून की शुरुआत होते ही कपास की बुआई शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से आपकी खेत में गोबर खाद का प्रबंधन करना है। तो दोस्तों, जहाँ अभी तक कपास नहीं लगी वो किसानों ने आपकी खेत में गोबर खाद डालना काफ़ी ज़रूरी है। कपास की संकर किस्मों से अधिक उपज पाने के लिए बुआई के 10 से 15 दिन पहले या खेत तैयार करते समय अच्छे से विघटित गोबर खाद 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़, यानी कि एक से मिट्टी की जैविक क्षमता बढ़ाने में मदद मिले और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार आता है और मिट्टी की जल धारण जो क्षमता होती है उसमें भी बढ़त होती है। यह रासायनिक उर्वरकों से बेहतर उपयोग में भी सहायक होता है और अंततः उपज सुधारने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, ये हो गई गोबर खाद की बात। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे रासायनिक उर्वरक होते हैं, यूरिया, डीएपी आदि, तो उनका उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, कपास की फसल की अधिकतम उपज अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको फसल की पूर्ण फसल चक्र में 110 से 150 किलोग्राम यूरिया, 52 किलोग्राम डीएपी और 60 किलो पोटास डालने की आवश्यकता होती है। तो आपको जब कपास की बुआई करनी है तो बुआई करते वक्त आपको पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उर्वरक की आधारीय मात्रा की आवश्यकता होती है, आप जिसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसलिए आप बुआई के समय 50 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें, ताकि आपकी जो फसल है उसमें जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा हो और जो शुरुआत में जो ग्रोथ होती है कपास की वो भी अच्छा हो, और उसके बाद जैसे ही कपास बाहर आ जाए तो ग्रोथ के स्टेज में आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी की बची जो क्वांटिटी है डीएपी की और पोटास की वो आप पहले या दूसरे डोज में दे सकते हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।